प्रदर्शनी का आयोजन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से वहां पहुंचे CBLU के कुल सचिव जितेंद्र भारद्वाज का कहना था कि इस तरह के प्रदर्शनी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज भिवानी के जी लेटरा वैली स्कूल में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी का शुभारंभ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए व उनके बारे में बताया गया। वहीं इस मौके पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव ने कहा कि यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए लगाई गई है, जिससे कि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी इनकी कुर्बानियों के बारे में पता चल सके तथा सभी छात्र उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल सके। 1857 से लेकर 1947 तक जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला उसके बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए, उससे संबंधित जानकारियां देने के लिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विद्यार्थियों में जानकारी बढ़े, जागरूकता बढ़े और वो इतिहास को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखना प्रारंभ करें। इसमें अभी तो प्रदर्शनी देखने के लिए स्कूल के और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी आ रहे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों में भी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा क्षेत्र इतिहास के अंदर ऐसा है जो अभी जिसकी एक्सप्लोरेशन होनी बाकी है। हर क्षेत्र के, हरियाणा के हर गांव में, शहर में ऐसी ऐसी जानकारी है जो अभी सबको उपलब्ध नहीं है। तो अभी कुछ उनमें से हमारे इतिहास विभाग के प्राध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने मिल करके इकट्ठा की है। हम और भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण की सचिव व सीजीएम शिफा ने बुधवार को स्थानीय ADR हॉल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में नगर के गणमान्य वक्ता एवं पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिनके साथ पोक्सो एक्ट के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बुधवार को भिवानी के ADR हॉल में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं CGM शिफा के नेतृत्व में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में शहर के अनेक गणमान्य अधिवक्ता, डॉक्टर व पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान यह चर्चा की गई कि पास्को एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज होते हैं उन्हें संज्ञान में लेकर उस पर कैसे कार्यवाही की जाए व कैसे उन्हें पुलिस व केस लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया करवाए जाएं। वहीं इस चर्चा में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि ऐसे मामलों में मीडिया, प्रशासन व पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर किस प्रकार से मामलों को समझाएगी। SHOs, डॉक्टर्स प्लस ऑल आवर पैनल एडवोकेट्स और PLBs को बुला के एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड आवर काउंसिल एडवोकेट, वी टोल्ड द पुलिस ऑफिशियल्स और बाकी हमारे सभी एडवोकेट्स और PLBs को कि जो पॉक्सो केसेस हैं उसमें किस तरह से मेडिकल किया जाए, किस तरह से जो पॉक्सो के विक्टिम हैं उनको एक वकील की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंटली अवेलेबल होनी चाहिए पुलिस के पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो सभी इंस्पेक्टर इसमें टाइटल होती है और हमारी सभी इंस्पेक्टर मैडम पहले से इसमें काफ़ी सतर्क हैं और बहुत अच्छी से इस तफ्तीश को करती हैं, क्योंकि जैसे भी हमारे पास किसी प्रकार की कोई विक्टिम या बच्ची जो भी आती है हम उसका जल्दी से जल्दी एडवोकेट को बुला के बयान करवाते हैं और FIR लॉन्च करके मेडिकल आगे की जो भी प्रक्रिया है उसको हर प्रकार की सुविधा दे के की जाती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सूर्य देव भी लोगों को दर्शन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बुधवार को जैसे ही तेज धूप निकली लोगों ने राहत की सांस ली और घरों में, दुकानों से बाहर निकलकर आसपास के पार्क इत्यादि में धूप का आनंद लेने पहुंच गए। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण तापमान काफी गति से गिर रहा है। वहीं सुबह और शाम के वक्त ओस की मोटी चादर भी नजर आती है और पिछले कई दिनों से दोपहर में भी आसमान में बादल छाए रहते थे, मगर आज दोपहर बाद सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए। वहीं इस खिली धूप का आनंद सभी ने लिया, साथ ही कुछ बुजुर्ग और बच्चे पार्क में धूप का आनंद लेते नजर आए। वहीं लोगों ने बताया कि सर्दियों में बुजुर्ग और बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
इतनी दिन के बाद धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो इतना खुला मौसम होया है, बरसात का भी कोई आसार नहीं है और बहुत बढ़िया सुबह बहुत अच्छी धुंध थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि धूप निकलिया होगी, लेकिन फिर भी भगवान ने की कृपा तय बहुत बढ़िया धूप है। ये धूप निकली है जी, बढ़िया करा है, अच्छी करी। महसूस थोड़ी मतलब ठंड कम हुई है पहले से और इसके लिए बहुत ही बहुत अच्छा है। बुजुर्गों को तो वैसे ही मतलब नुकसान है, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए बहुत भयंकर है जी। और इसमें जो है ना, मान लो ये बाहर जाते हैं तो दिक्कत, अंदर रहते तो भी दिक्कत रहती है। और मेरा यही निवेदन है जो इनका ध्यान रखना चाहिए, परिवार को भी और इवन समाज को भी। महसूस करता हूँ जी मेरे दर्द, छत्ती में दर्द है, कुछ सेक रहा हूँ मैं, आराम मिल रहा है। छोटी काशी भिवानी में सर्दी के मौसम में समय समय पर लोग कपड़े व जूते वितरण करते रहते हैं। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कपड़े और जूते वितरण करने के लिए रीति संगम शिक्षा और सामाजिक कल्याणकारी संस्था भी आगे आई। इस संस्था की हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु परमार ने लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबल इत्यादि वितरित किए। उनका कहना था कि इस मौसम में गरीब लोगों के लिए यदि कंबल और अन्य कपड़े दिए जाएं तो यह सबसे ज्यादा भलाई का कार्य है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री जेपी दलाल के पिता कैप्टन कर्ण सिंह दलाल का हुआ देहांत। ठंड में दुधारू पशुओं का रखें विशेष ध्यान, हो सकती है मुंह खुर एवं गलघोटू नामक बीमारियां। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए किया गया 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। पास्को एक्ट के तहत दर्ज मामलों को लेकर भिवानी के एडीआर हॉल में किया गया वर्कशॉप का आयोजन। मगर आज दोपहर बाद सूर्य देवता ने अपने दर्शन दिए, वही इस खिली धूप का आनंद सभी ने लिया। हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु परमार ने लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबल इत्यादि वितरित किए। हमारे संग में बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।